गाइस वेलकम टू द लव इन लाइट थ्री सिक्स नाइन टैरो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे सबसे पहली बात तो गाइस प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है ना ये प्लीज़ इसको इग्नोर करें क्योंकि बाहर काम चल रहा है किसी और का एंड उसकी वजह से उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकती सो ये उसी की आवाज़ उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड सो रीडिंग करंट एनर्जीज के ऊपर करेंगे क्या आता है और ये हम देखेंगे और पहले से बेटर मेरी मेरी जो तबीयत है पहले से बढ़िया है ठीक है एंड क्योंकि काफ़ी सारे लोग सच में बहुत केयर करते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कमेंट बॉक्स में भी बार बार पूछते रहते हैं कि दी आपकी तबीयत कैसी है आप अभी कैसा फ़ील कर रहे हो हम आपके लिए प्रे कर रहे थे तो सो थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से शुक्रिया मेरे लिए दुआ करने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए एंड आप सबके प्यार की वजह से आप सबकी दुआ की वजह से मैं ठीक भी हूँ अभी काफ़ी अच्छा मैं फील कर रही हूँ एंड सी गाइस शुरू करते हैं रीडिंग को देखते हैं क्या आता है रीडिंग में सो so, शुरू करते हैं ओके लेट्स सी गाइस शुरू करते हैं देखते हैं क्या आता है रीडिंग में सो लेट्स सी पहले ही निकल निकल के गिर रहे हैं <laughs> जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है अभी वो हम देख लेते हैं let's see. काफ़ी अच्छी सफलिंग हुई है एरो वॉन्स ओ वाओ नाइस स्ट्रेंथ नाइन ऑफ सोट्स क्वीन ऑफ वॉन्स लियो ये हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो लियो ये दिखता है यहाँ पर सी आप में से कुछ लोगों की आई थिंक बात हुई होगी दिखता है बट uh, क्योंकि पहला ही कार यहाँ पर एट ऑफ वंस का है ना ओके okay, जो भी जो भी रहा बात हुई या नहीं हुई एनर्जीज के ऊपर बात करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है बात हुई है तो भाई uh, आपसे बात करने के बाद में उनको ये फील हुआ है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो पहले के मुताबिक बहुत बदल गए हो ओके okay? एंड अगर आपकी बात नहीं हुई है ना तो ये आपसे बात तो करना चाहते हैं बट इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो वही एनर्जी है ठीक है अब ये इनके दिमाग की भी बातें हो सकती हैं या फिर हो सकता है कि आ, किसी के थ्रू पता चला हो कि आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए या फिर इनको खुद ही फील हो रही है ये चीज़ें क्योंकि इन्होंने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा क्यों नो इन्हों ने ही मजबूर किया आखिर आपको बदलने पर आप काफ़ी इमोशनल रहा करते थे इनके लिए बट इन्होंने ही बदल दिया आपको कुछ ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से सो so, इस इंसान को इस बात की रियलाइजेशन है ये दिखता है इन कार्ड्स के साथ ओके ये आपसे अगर बात नहीं हुई है आपसे बात करना तो चाहते हैं बट हाउ कैसे करूँ मैं बात ये समझ में नहीं आ रहा इनको बिकॉज इनको ये फील हो रहा है आपके लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो और अब आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस भी हो गए हो और स्ट्रिक्ट भी हो गए हो सो so, आ इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे हो गए हो कि अब ना पहले क्या होता था कि आपको नई कुछ अच्छी लग रही होती थी बात या कोई भी चीज़ जो अच्छी नहीं लग रही होती थी फिर भी आप इनकी खुशी के लिए वो काम कर जाते थे बट अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप में ये चेंजेस आ गए हैं कि अगर अब ये ऐसी कोई बात करे कर देंगे और आपको अगर आपको नहीं पसंद आएगी वो बात और आप नहीं करना चाहोगे तो आप सीधा सीधा बोल दोगे और ऊपर से कुछ तीखा सुनने को और मिल जाएगा राइट सो कुछ जो कुछ ऐसा इनके मन में आपको लेकर के आपको लेकर के ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं और राइट ये भी नंबर एट है और ये भी नंबर एट है आपको डबल एट ट्रिपल एट बहुत दिखते होंगे इनका लाइफ पाथ नंबर एट हो सकता है राइट या फिर आपका हो सकता है लाइफ पाथ नंबर एट एंड आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं और काफी परेशान है नाइन ऑफ सोच्स की एनर्जी ना नाइन ऑफ सोच्स की एनर्जी यही बताती है कि आ, परेशान है ये इंसान आपके बदले हुए रूप से बिकॉज इसने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना बदल जाओगे ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोचता है वो टाइम सोचता है जहाँ पर आप इनकी केयर करते थे जैसे कि स्ट्रेंथ के कार्ड में पिक्चर में बताया दिखाया जा रहा है कि ये कितने अच्छे से इसको संभाल रही है आखिर है तो ये शेर ही ना इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता बट इसने कंट्रोल कर रखा है ना इसके गुस्से को हो गया अब ये जो ये जो चीज़ है ना आप इसका ईगो ले लो इसका गुस्सा ले लो इसका बिहेवियर ले लो आपने हर चीज़ को अच्छे से हैंडल किया है और इसको ये मालूम है कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई हैंडल कर भी नहीं सकता एंड यहाँ पर केयर दिखती है जैसे कि ये लेडीज़ की केयर कर रही है राइट right? और यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी आ जाती है जो कि आ, एनर्जी ऐसी कि भाई ये ये मैं जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि ये क्वीन ऐसी है सुनेगी सबकी करेगी अपनी राइट सो यहाँ पर वही है ये इंसान परेशान है पहले की आ, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया उसको बहुत याद करता है और अब जब देखता है आपको तो बिल्कुल अलग दिखते हो आप इन्हें अब शायद अब आप इन्हें उस तरीके से पैम्पर नहीं करते उस तरीके से केयर नहीं करते या फिर वो उतनी अटेंशन आप देते नहीं हो अब ये चीज़ क्या करती है कि इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है ओके ये दिखता है यहाँ पर और बात नहीं हो रही तो बात करने से डर रहे हैं ये अभी इनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए ओके ये दिखता है यहाँ पर एंड लेट्स <coughs> और क्या आता है रीडिंग में वो हम देख लेते हैं और टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस के बारे में बात करता है स्टार अगेन मेजर खाना फोर ऑफ कप्स रिजेक्शन का डर है ये क्लियर दिखता है ये बैलेंस तो चाहते बट इनको कुछ डाउट्स है जैसे कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो इनको और राइट right. क्यों को इनको कहीं ना कहीं से पता चला ज़रूर है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो और अब आप उतना इमोशनल नहीं हो एंड इस इंसान ये इंसान चाहता तो है बैलेंस इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है बट या पर फोर ऑफ कप से इसको डर है रिजेक्शन का क्यों क्योंकि पहले इसने ये काम किया था इग्नोर करने का और अब इसको डर लग रहा है कि कहीं वही चीज़ इनके साथ ना हो जाए तो पहले ये इंसान क्लियरिटी चाहता है क्लियरिटी कि किस चीज़ के लिए चाहता है कि आप क्या चाहते हो अब ये इसको ये पस समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो क्यों क्योंकि अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया अपनी लाइफ में काम करना शुरू किया एंड इस इंसान को अब आपके बारे में पता नहीं चल पा रहा कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप कैसा फ़ील कर रहे हो पहले आप इनको कॉल मैसेज कर दिया करते थे तो उससे इनको आइडिया लगता था कि हाँ ये अभी भी, भी मुझसे बात करना पसंद करती है या करता है और ये अभी भी चाहता है रिकन्सिलेशन बट अब क्या हो रहा है अब आप कुछ इनको शो ही नहीं कर रहे हो ना तो आप इनको कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो ना इनको ये शो कर रहे हो कि भाई मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ फिर कोई इंटरेस्ट अपनी तरफ से आप शो नहीं कर रहे हो सो so इस वजह से डाउट्स है और इस इंसान को क्लियरिटी चाहिए पहले तो ये कि आप क्या चाह रहे हो या फिर आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बट ये जरूर है कि इनको ये जरूर पता चला है कि आप किसी ना किसी तरीके की हीलिंग में लगे हुए हो ये दिखता है यहां पर और राइट एंड और देख लेते हैं वेरी नाइस फॉर अ वस रिकन्सिलेशन क्वीन ऑफ सोट्स सन टू अवन्स रिकन्सलेशन के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपका ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है हो सकता है आप ऑनलाइन ही मिले हो मदर इश्यूज़ ऑलरेडी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में बट ये रिकन्सलेसन चाहते हैं सबसे पहली बात तो एंड काफ़ी बदला हुआ आपको देख भी रहे हैं जैसे कि अब आप इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो आप में बदलाव आए हैं ये इन्हीं की वजह से आए हैं ये इनको समझ में आ रहा है जो भी ओवर थिंक कर रहे हैं ना उससे यही समझ में आ रहा है इनको कि जितना भी बदलाव आया है ना आपके अंदर वो इन्हीं की वजह से आया है और अब और ये चाहते हैं कि अब उसी नेचर को ढूंढ रहे हैं आपके को जो आपका चाइल्डिश नेचर हुआ करता था जो कहीं ना कहीं आप बहुत इन्जॉय क्या करते थे अपनी लाइफ में मस्त रहा करते थे उसी को ये मिस कर रहे हैं अभी आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहते अब ये चाहते हैं कि आपसे मिलकर के आपको पहले जैसे बना दिया जाए सो ये वैसी एनर्जी दिखती है आपके लिए पॉजिटिव तो बहुत सोचते हैं ये ये भी क्लियर दिखता है ये एक्वेरियस हो सकते हैं सजिटेरियस हो सकते हैं लियो हो सकते हैं लियो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ठीक है फायर साइन ये जो साइन मैंने अभी बताया ना ये सीडिंग में स्ट्रॉन्गली आए हैं वो मैंने बताया है बिकॉज इतने है, तो सारे कार्ड्स निकाले हैं तो इसमें सारे साइन अवेलेबल है ठीक है इसमें अर्थ साइन मुझे नहीं दिख रहा सीरियसली गाइज अगर मैं बॉटम ऑफ द टैक्स से देखूँ तो मुझे अर्थ साइन दिखता है बट यहाँ के कारों में मुझे अर्थ साइन नहीं दिखता और हाईलाइटेड देखो यहाँ पर फायर uh, है वाटर है और एयर भी है अर्थ नहीं है यहाँ पर अवेलेबल एंड uh, अगर हाईलाइटेड साइन की बात करूँ तो सेजिटेरियस है लियो भी है लियो बहुत स्ट्रांग है एक्वेरियस भी है यहाँ पर ओके सिंह राशि धनुराशि और कुंभ राशि और राइट तो ये दिखता है यहाँ पर तो ऐसे कुछ इनके एनर्जीज चल रही हैं और देख लेते हैं आगे ये क्या कुछ करने वाले हैं ये ओवर थिंक तो बहुत कर रहे हैं ये दिखता है यहाँ पर हाँ ये पक्का मैं बोल सकती हूँ कि जो भी ओवर थिंक चल रही है ना ये रिकन्सिलेशन को लेकर के ही चल रही है ये रिकन्सिलेशन ही चाहते हैं ठीक है थीके? ये किसी तरीके की क्लियरटी यहाँ पर भी क्लियरिटी के बारे में ये भी क्लियरिटी और ये भी क्लियरिटी एंड अभी मेरा क्लियरिटी से ध्यान गया यहाँ पर क्वीन ऑफ सोच्स और यहाँ पर किंग ऑफ सोच्स है सो so यस yes, अपना सोलमेट कहीं ना कहीं ये आपको मानते हैं ठीक है थीके? और ये हो सकता है परफेक्ट मैच जिसे कहते हैं ना वो मानते हो सकता है आप सोलमेट्स भी हो क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है क्वीन ऑफ सोट्स भी और किंग ऑफ सोट्स भी है एंड यहाँ पर सन का कार्ड भी उसी के साथ अवेलेबल है जो कि बताता है कि हो सकता है आपका एक सोलमेट्स कनेक्शन हो अब मैं हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है सो तो, अगर आपने किसी से रीडिंग ली है तो आपको पता होगा कि आपका कैसा कनेक्शन है या फिर जिस तरीके की आपके इनके साथ रही है जर्नी तो उससे आपको पता चल सकता है कि किस तरीके के कनेक्शन में हो आप और राइट बट फॉर शो ये सोच तो बहुत रहे हैं रिकन्सिलेशन के बारे में ये मुझे जरूर दिखता है ये आगे क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं और राइट ओके किंग ऑफ वॉन्स एक और किंग आ गया है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर एक और जोड़ा है अब ये वाटर और फायर का कॉम्बो है देखो एयर साइन सी, सी टू ऑफ कप अब अब क्या मैं बोलूँ रिकन्सिलेशन ही चाहते हैं यह आपको पहले जैसा ही देखना चाहते हैं सी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉर्नस है और यहाँ पर किंग ऑफ वॉर्नस है देख रहे हो आप आ, एक मिनट मैं आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है जो मैं आपसे बोलने जा रही हूँ सी अभी आपको एक कोई ऑफ वस की एनर्जी में देख रहे हैं ठीक है ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जैसे कि मैंने बोला ना कि ये चेंज करना चाहते हैं चेंज जो आपका पहले वाला नेचर था बिल्कुल आपको वैसा चाह देखना चाहते हैं या फिर वैसे ही uh, पहले जैसे ही आपको बहुत मिस करते हैं ऑलराइट बदलाव अच्छा नहीं लग रहा इनको क्यों बदलाव अच्छा नहीं लग रहा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप इनके तरीके से नहीं चल पाओगे ना इस वजह से तो इसलिए डरे हुए हैं ओके बट uh, यहाँ पर अगेन क्वीन एंड किंग है डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं दोनों की यहाँ पर ये दिखता है पहले बिल्कुल डिफरेंट थी जैसे कि ये प्रैक्टिकल थे फ्यूचरिस्टिक थे आप इमोशनल थे रिश्तों के बारे में सोचते थे प्यार के बारे में सोचते थे बट जैसे ही आपने अपने अंदर चेंजेस लाए तो सेम एनर्जी हो गई आप दोनों की सी यहाँ पर क्वीन ऑफ बॉर्नस है यहाँ पर किंग ऑफ बॉर्नस सेम एनर्जी एक दूसरे को यू you नो know, बराबर कंपेटिबिलिटी जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे कि इसकी एनर्जी है कि भाई मुझे तो अपना फ्यूचर देखना है तो इसकी भी एनर्जी वही है कि भाई तुझे नहीं फ़र्क पड़ता तो मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है तो वो एक, एक वल, बैलेंस बन रहा है यहाँ पर एनर्जीज में राइट right? तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे कि आ, समझ जाएंगे एक दूसरे को क्योंकि उसको पता है इसको पता है इसने इसलिए ऐसा किया और इसको पता है इसने किस ऐसा किया ओके okay? और यहाँ पर भी वही हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर इन दोनों का क्या है ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते ये अपनी अपनी लाइफ जिएंगे चाहे ये एक साथ रहे प्यार रहेगा दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होगा प्यार रहेगा बट एक दूसरे के ऊपर वो जो होता है ना हावी होना या फिर मैं बोलूँ कि एक दूसरे को कंट्रोल करना वो चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पर ओके यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर भी वही एनर्जी है यहाँ पर भी भाई दोनों इक्वल है यहाँ पर भी किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है बट ये क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ताकि इनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहे ताकि इनका कंट्रोल रहे ठीक है और ये जैसा चाहे वैसा आप करो तो वही कि आपको वैसा ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एहतियात बरतने की बात तो यही है कि ये प्यार तो आपको देना चाहते हैं बट आपका बदला हुआ रूप सहन नहीं हो रहा है इनसे ठीक है ये इक्वालिटी के बारे में बात करता है बैलेंस के बारे में भी बात करता है यहाँ पर भी मैंने बात की थी बैलेंस तो चाहते हैं इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन तो ये चाहते हैं और जो नहीं दिया वो भी देना चाहते हैं इस रिश्ते में बट किस तरीके से ये नहीं चाहते कि आप इनके हाथ से निकलो सीधी बात है ये चाहते है आप इनके हाथ में रहो और इनके तरीके से चलो ये ये चाहते हैं डर लगता है इनको जैसे ही आप इनकी जैसी एनर्जी में आते हो वैसे ही डर लगता है और कई और देखना अगर बात हुई है या फिर होने वाली है तो यही बोलेंगे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम भी वैसा ही करोगी या करोगे तो फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको हामी भरवा दे कि हाँ तुम तो सही बोल रहे हो तो वो नहीं करना वो नहीं करना कोई भी रिश्ता हो उसमें बराबर का हक दोनों साइड होना चाहिए अगर एक फ्लर्ट करता घूम रहा है तो उसका कोई हक नहीं बनता दूसरे के ऊपर ये बोलने का कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो अगर तुम खुद लॉयल हो तो तुम दूसरे को बोल सकते हो कि भाई ये गलत है तुम मत करो अब वो खुद ये कर रहा और आपको बोल रहा है गलत है तो फिर तो वो तो गलत बात हुई ना आज़ादी तो फिर सबको अपनी अपनी अच्छी लगती है बट अगर एक ही एक रिश्ते में पूरा लॉयल है और दूसरा उसके कोई कदर नहीं कर रहा तो वो कहाँ का बैलेंस हुआ अब उस बैलेंस से डरते हैं क्यों क्योंकि जब भी आप बदलते हो तो भाई वही ट्रिगर होती है ना सेम चीज़ें कि मैं मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम अपना तो देखो पहले अब वहाँ पर अगर ये हो कि ये हावी रहे आपके ऊपर और आप हाँ जी हाँ जी करते रहो तो फिर तो फिर तो इनकी तो खुशी इनकी तो बल्ले बल्ले है तो वही यहाँ पर दिखता है तो यहाँ पर इक्वल होने की ज़रूरत है जो कि आप कर रहे हो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो ये दिखता है यहाँ पर आप जैसा कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो बढ़िया जा रहे हो आप आपको कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की अपनी डायरेक्शन को बिकॉज अपना हक़ मांगना कोई बुरी बात नहीं होती और हाँ जी हाँ जी करना भी अच्छी बात नहीं होती जब हम दोस्तों के बारे में जैसे कि होता है ना हम किसी के आगे अगर बहुत ज़्यादा झुक जाए ना तो लोग पहले उसको वो करते हैं अच्छी तरीके से झुका देते हैं ठीक है तो इसलिए ना ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहिए उतना ही झुको जितना कि हाँ ठीक है वरना ज़्यादा झुकोगे तो लोग फायदा उठाते हैं फिर उस चीज का ठीक है तो इसलिए वही है कि अच्छा है अगर आप इस एनर्जी में हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइडेंस क्या होगी परफेक्ट <coughs> शॉपिंग के बाद ही मैं कार्ड लूंगी और राइट दिस इज beautiful. सन again, सन <laughs> का कार्ड है यहाँ पर डोर टू स्प्रिट हैंड see यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मैं बता देती हूँ आपके लिए गाइडेंस सीधी सीधी यहाँ पर ये है कि ठीक है इतना सब्र रखा है तो और सब्र रख लो और जो आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में बस करते रहो ये डोर टू स्प्रिट का कार्ड यहाँ पर यही है जो हम कहते हैं ना कि हमारी स्पिरिट हमें गाइड कर रही है तो उन्होंने ये रास्ता खोला है आपके लिए अगर आप में बदलाव आए हैं तो वो चाहते थे आपकी स्पिरिट गाइड से चाहती थी कि आपके अंदर ये बदलाव आए और इसीलिए ये बदलाव आए भी है तो इन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो सन का कार्ड है और इस बिना किसी डर के आगे बढ़ो सन के कार्ड का मतलब यही है किसी भी तरीके की डर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए पॉजिटिवली आगे बढ़ो और पेशेंस रखो सही टाइम पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्योंकि जब चीज़ों में बदलाव आता है तो थोड़ा सा तो टाइम लेती है चीज़ें बट रिकन्सिलेशन पक्का ही आएंगे ये अपने आप आएंगे क्योंकि मुझे इनके एनर्जी दिख रही है परेशान है काफ़ी ज़्यादा आपके इस बदले हुए ये सी यहाँ पर जजमेंट है टू ऑफ कप्स के कार के साथ टेन ऑफ कप्स भी है एस ऑफ बॉन्ड है लवर्स है कितने प्यारे तो कार्ड है मजीशन है सी अब ये कार्ड्स अगर मैं आपको दिखाऊं बैक टू बैक कितने प्यारे कार्ड्स हैं शुरुआत हुई मैनिफेस्टेशन से इस रिश्ते के लिए इस पे वर्क करने से और एक नई शुरुआत टेन ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन अबेंडेंस क्योंकि वही डिवाइन टाइमिंग एंड टू ऑफ कप्स ये खुशियों के बारे में भी बताता है टेन ऑफ कप्स का कार्ड ओके okay, वही रिश्ता वही बॉन्ड ये सोल मेट्स का होता है सो यस डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी भी गाइस तब तक के लिए बस यही आपको गाइडेंस यही पॉजिटिवली आगे बढ़ो बस और जो बदलाव आपने खुद के अंदर किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं अगर आपको इनको लेकर के कुछ डाउट्स थे ना आपके मन में कि हम बदल गए हैं या फिर हमने अपने अंदर बदलाव लाए हैं तो कहीं इससे कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएंगी चीज़ें नहीं 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 गलत सोच रहे हो कुछ ख़राब नहीं होगा बल्कि अच्छा होगा ठीक है बदलाव समय समय पर लाते रहना चाहिए अच्छा रहता है ठीक है बदलाव लाना अच्छा होता है तो वो बदलाव आने दो तो कोई बुरा उसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है सो यस थैंक यू सो मच गाइस ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट की हो आई होप आपको पसंद आई हो रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में तब तक अपना ख्याल रखें बाय टेक केयर सी यू अगेन